रानी मुखर्जी की फिल्म ने पठान को भी पीछे छोड़ दिया है। नॉर्वे में रहने वाले हिंदी फिल्मों के शायकीन शाहरुख खान से ज्यादा बॉलीवुड की रानी मुखर्जी के दीवाने निकले। इसका सबूत मासी की मकबूल तरीन हीरोइन की हालिया फिल्म मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे की नॉर्वे के बॉक्स ऑफिस पर कारकर्दगी से मिलता है। रानी मुखर्जी की फिल्म ने नॉर्वे में नुमाइश के लिए पेश किए जाने के एक हफ्ते के दौरान आमदनी के मामले में किंग खान की फिल्म पठान और रईस को पीछे छोड़ दिया है। मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे ने सिर्फ 3 दिन में 8 लाख करोड़ कमाकर नॉर्वेजियन बॉक्स ऑफिस पर किसी भी हिंदी फिल्म की सबसे ज्यादा आमदन का रिकॉर्ड कायम कर दिया। यूनानी मुखर्जी ने बॉलीवुड किंग को नॉर्वे के बॉक्स ऑफिस पर पछाड़ दिया है। मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे रानी मुखर्जी के करियर की बेस्ट फिल्म है। ये कहानी एक माँ की है जो नॉर्वे की हुकूमत से एक कानूनी जंग लड़ती है क्योंकि हुकूमत इनके बच्चे इनसे छीन लेती है, ये कहकर कि वो बच्चों की अच्छी परवरिश नहीं कर सकती। रानी मुखर्जी ने इस फिल्म में अपनी जिंदगी की बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। अपने तमाम इमोशन जाहिर करने में रानी मुखर्जी ने इस मूवी में कमाल कर दिया। मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे सच्चे वाकयात पर मबनी एक कहानी है।